आखिर CIA की एंट्री के बाद क्या होगा, कैसा होगा फैंस का रिएक्शन, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। KGF 2 की आंधी जहां अभी खत्म नहीं हुई थी, वहीं से इसका ट्रिपल धमाल चालू हो चुका है। खबरों की माने तो KGF 3 जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है। इसके बारे में खुद फिल्म के डायरेक्टर विजय ने बताया, KGF 2 के प्रमोशंस के वक्त उन्होंने रिपोर्टर से बात करते हुए बताया था कि ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में आएगी, हम दर्शकों को ज्यादा वेट नहीं करा सकते। वहीं फिल्म के हीरो रॉकी भाई यानी कि यश ने ये भी कहा था कि इस फिल्म के यानी कि KGF 3 के सीन्स और भी धमाकेदार होने वाले हैं। कहानी को लेकर बहुत बड़ी चीजें सोची गई हैं, फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं है और उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि आखिर CIA की एंट्री के बाद क्या होगा। रमिका सेन ने जो रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट निकाला है, क्या रॉकी सच में मर जाएगा, क्या वो अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। सूत्रों की माने तो फिल्म का आधा काम पूरा हो चुका है, इसे अक्टूबर के महीने तक खत्म करके 2023 तक रिलीज किया जा सकता है। यश की बेमिसाल एक्टिंग से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यश को इससे पहले KGF और KGF 2 में देखा गया था। इन दोनों फिल्मों में ही यश ने अपनी एक्टिंग से अपने फैंस को दीवाना बना दिया था। KGF की तरह ही KGF 2 ने भी सिनेमाघरों में और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा के रख दी थी। KGF एक अब ब्लॉकबस्टर ब्रांड बन चुका है। आपको बता दें कि यश KGF चैप्टर 1 में काफी डरे हुए थे कि अगला पार्ट हिट होगा या नहीं, या वो दूसरा पार्ट बना पाएंगे या नहीं। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि KGF 3 में मार्वल यूनिवर्स जैसा बनाने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह मार्वल में अलग अलग कैरेक्टर्स को समझाने के लिए अलग अलग फिल्में बनाई जाती हैं, वैसे ही KGF के कैरेक्टर्स के बारे में भी सोचा गया है। इस बार ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि KGF क्या धूम मचाएगी, कैसे छप्पड़ फाड़ेगी। तो दोस्तों, क्या आप KGF 3 के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।